देखिए नीचे आएंगे कहीं फॉर्म होगा कहाँ, ओके हियर इट इज़ राइट, यहाँ पे फॉर्म दिख रहा है, यू हैव टू क्लिक। जैसे इस पर क्लिक किया, यहाँ पे ऐड बटन है, ऐड पे क्लिक किया, गेटिंग इट, ऐड पे क्लिक किया और फिर यहाँ पे क्या किया, ओके पे क्लिक किया, ओके क्लिक किया। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म बन के आ गया ना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, उसके पहले आपको यहाँ टेबल मेंशन करनी पड़ेगी, जैसे हमने अभी किया था, नेम, क्लास, सेक्शन एंड स्कूल। के थोड़ा सा कॉलम बड़ा कर लेते हैं क्योंकि स्कूल थोड़ा सा बड़ा नाम है उसका, बीबीएस इंटरनेशनल स्कूल राइट। एंड देन आई हम स्कूल का नाम टाइप करते हैं सिर्फ कॉलम में, क्योंकि फील्ड बना रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू राइट दिस स्कूल एंड देन आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू राइट एड्रेस राइट। अब देखिए टाइम, अब यहाँ पे आए फिर हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, नेम लिखना पड़ेगा भाई, जैसे रोहित लिखा मान लीजिए, क्लास हमने बोला एट, सेक्शन बोल दिया हमने पी, ठीक है। स्कूल का नाम क्या रखा, बीबीएस इंटरनेशनल स्कूल राइट। एड्रेस में डाल दिया हमने क्या, प्रयागराज राइट। सी ये टाइम लगा ना इसको, बट अगर यहीं पे फॉर्म के फॉर्म से करेंगे तो कैसे होगा, देखिए वो इजी हो जाएगा आई थिंक फॉर्म से करना आपका। क्लिक किया फॉर्म पे, सी देखिए जो जो यहाँ पे जो आपको ये दिख रहे हैं यही फील्ड्स होते हैं, सेम फील्ड्स होंगे जो आपने यहाँ पे मेंशन, नेम, क्लास, सेक्शन एंड स्कूल, ठीक है, ओके समझ में आया। फिर आपको एक नई एंट्री करनी है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, न्यू, डिलीट, फाइंड प्रीवियस, फाइंड नेक्स्ट, क्राइटेरिया, क्लोज। तो सबसे पहले न्यू पे क्लिक कर दीजिए, तो एक नई कॉलम न्यू पे, नेम नेम मान लीजिए आपने डाला रमेश, ठीक है, ये क्या डाला आपने रमेश, ठीक है। उसके बाद क्लास डाल दी उसकी नाइन्थ, सेक्शन डाल दिया उसका बी, स्कूल डाल दिया बी बी एस इंटरनेशनल राइट। फिर एड्रेस में क्या डाल दिया, प्रयागराज। ये थोड़ा इजी हुआ कि नहीं, देखिए जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे फिर क्या हो जाएगा, ये देखिए आपके यहाँ पे क्लिक कंप्लीट होके आ गया, यहाँ पे ये आ गई एंट्री ना, ठीक है। अब आपने मान लीजिए कि स्कूल और एक नाम और एंटर किया, सपोज ए एन के आई अंकित, क्लास सेवेंथ, सेक्शन बी, स्कूल बी बी एस इंटरनेशनल स्कूल राइट। एड्रेस में क्या डाला आपने, फाफापुर डाल दिया, ठीक है, ओके। फिर न्यू पे, तो इससे क्या होते जा रहा है, रिकॉर्ड्स इंटर होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर यहीं पे आपको क्या करना, प्रीवियस पे, अगर इससे पहले पता करना तो आप फाइन प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, ये एंट्री आ गई। अब अंकित के पहले कौन सी एंट्री है, रमेश की, उसको पता करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, देखिए रमेश की आ गई। अब ये पता करना है कि रमेश के बाद कौन सी एंट्री है, तो वहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फॉर्म से देखा आपने कि फॉर्म के आने से हमारा जो डेटा एंट्रिंग हो गई वो कितना ईजी हो गया, वरना यहाँ क्या करना पड़ता था, हर बार आपको इस पर क्या करना पड़ता, क्लिक करना पड़ता, फिर यहाँ पे क्लास पे आके, फिर सेक्शन पे आके, फिर इसमें हर बार आपको स्क्रॉल करना पड़ता राइट। और जब यह पेज पूरा भर जाता तो आपको पेज को नीचे स्क्रॉल करना पड़ता। अगर यहाँ पे 25 देख रहे हैं, मान लो आपको 100 एंट्रीज करनी है, तो इन दैट केस यू हैव टू स्क्रॉल इट डाउन, सो इट इज़ वॉट टाइम कंज्यूमिंग एंड इन क्विकली यू आर, जल्दी जल्दी में क्या हो गया, आपने कुछ अनइंटेंशनली गलत भी कर दिया तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। सो यू, आई होप यू अंडरस्टैंड कि फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेज, और अगर हमें फॉर्म ऐड करना है एक्सेल में तो कैसे करेंगे, गेटिंग इट। यहाँ पे स्टेप स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा भी दिया, ओके। सो मूविंग ऑन, ओके, सो दिस फॉर्म जैसे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा, सेम वहाँ पे बन के आया था एंड हमने इसका यूज़ किया, ओके। मूविंग ऑन, सी क्रिएटिंग अ न्यू एंट्री, वहाँ पे दिखाया था ना आपको, बहुत सारे फील्ड्स खुल के आए थे, तो सबसे पहले आप यहीं पे फॉर्म, अगर नई एंट्री बनानी है तो क्या करना पड़ता, फॉर्म पे हमने क्लिक किया था, देन व्हाट वी हैव डन, फॉर्म पे क्लिक करने के बाद वी हैव डन, वहाँ पे बहुत सारे डेटा फील्ड्स आए थे राइट, आए थे ना, जैसे यहाँ पे इस तरह का खुल के आया था, यहाँ पे क्या था न्यू, तो हमने सिंपली क्या किया, न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे फील्ड्स खुल के आ गए, उन फील्ड्स में वन बाय वन हमने क्या कर दिया, एंटर कर दिया, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, वन बाय वन हमने क्या किया, एंटर कर दिया, यहाँ पे दूसरा टेबल बनाया, गेटिंग इट, वन बाय वन हमने उसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब अगर हमें नई बनानी है तो देखिए सुमित बंसल यहाँ पे था, इससे पहले नहीं था वो, बट अब ये ऐड हो गया। ये कैसे हुआ, न्यू पे जाके हमने क्लिक किया, फिर इसके अंदर ये डेटा जो फील्ड्स थी, वी हैव इंटर डेटा इन दैट फील्ड एंड एज वी क्लिक ऑन न्यू दैट डेटा हैज, देखिए अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या है, रूथ फ्लावर है, अभी यहाँ पे क्या सुमित बंसल का नाम आना चाहिए। देखिए जैसे ही हमने किया, न्यू पे क्लिक किया, तो ये सब काम हो रहा है, फिर यहाँ पे स्टेटस मेंशन कर देंगे, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक कर देंगे, देखिए डेटा अपने आप यहाँ पे इंटर हो गया, हो गया। तो सेम वे में, आई होप ये समझ में आया, मूविंग ऑन,
ओके, रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एंट्री बेस्ड ऑन रूल्स। अब तो वहाँ पे इससे पहले आपने देखा कि फॉर्म की मदद से कैसे हम डेटा को एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं, कैसे प्रीवियस डेटा देख सकते हैं, कैसे डेटा को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर थिंग्स विच वी हैव सीन इन दैट क्राइटेरिया, वहाँ कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्ट्रिक्टिंग डेटा एंट्री बेस्ड ऑन वैल्यूज। यू कैन यूज डेटा वैलिडेशन, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, डेटा वैलिडेशन वाला, ठीक है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डेटा वैलिडेशन का। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा वैलिडेशन वी कैन मेक रूल्स टू इंटर डेटा विद इन अ टेबल, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, इफ यू वॉन्ट टू मेक श्योर दैट डेट कॉलम ओनली एक्सेप्ट अ डेट ड्यूरिंग डेटा एंट्री, अगर आप यहाँ पे एक रूल लगाना चाहते हैं कि जो डेट कॉलम है, एक कॉलम बनाई, टेबल बनाया है, उसमें कॉलम है डेटा का, आप उसमें चाह रहे हो कि उसमें डेटा तभी एंट्री कर पाए जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको डेटा वैलिडेशन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डेटा वैलिडेशन रूल टू अलाउ ओनली डेट्स, वहाँ पे सिर्फ डेट लिख सकते हो, ठीक है। अगर वहाँ पे यूजर ने इंटर किया डेटा, दैट इज़ नॉट अ डेट। अगर वहाँ पे डेट के कॉलम में सपोज है, यहाँ पर हम आपको बना के दिखा देते हैं, सपोज ये आपका टेबल है, यहाँ पे आपने क्या किया, ऐसे स्क्रीन बना ली, ठीक है। यहाँ पे आपने यहाँ स्क्रीन क्या बनाई, यहाँ पे आपने, आप चाह रहे हो कि इस पर सिर्फ डेट लिखा दिखाई दे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फील्ड का नाम दे दिया डेट। अब डेटा वैलिडेशन क्या करेगा यहाँ पर, उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन। अब क्या होगा, अगर यहाँ पे यूजर ने यहाँ पे नेम इंटर कर दिया, मान लो क्या इंटर कर दिया, नेम, सपोज अंकुर इंटर कर दिया, तो उस केस में ये अलाउ ही नहीं करेगा यूजर को, ठीक है। इफ यूजर इंटर अ डेटा दैट इज नॉट अ डेट, इट विल नॉट बी अलाउड एंड द यूजर विल बी शोन एन एरर, और यूजर को यहाँ पे क्या दिखाई देगा, एरर दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, एरर दिखाई देगा। समझ में आया आपको? ओके, एक बार देख लेते हैं फिर से आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जो भी होगा वो आपको इसमें क्या दिखाई देगा, एरर दिखाई देगा, ठीक है। अगर डेटा की फील्ड है, वहाँ पे आपने क्या इंटर कर दिया, कुछ भी नेम इंटर कर दिया, एड्रेस कर दिया, तो वहाँ पे एरर दिखाई देगा, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। गेटिंग इट? ओके, सो मूविंग ऑन, आई होप इतना समझ में आया होगा डेटा वैलिडेशन क्या करना होगा। चलो मूव करते हैं आगे। ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो, तो हमने थ्योरी में देखे डेटा वैलिडेशन करता क्या है। अगर हमें करना है तो इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई डेटा वैलिडेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल, हमें क्या करना पड़ेगा, सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। गेटिंग इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल, कौन से सेल, सेल्स आपको याद होंगे ना, जो जहाँ पे रो और कॉलम्स इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज सेल, ठीक है। सेल डिपेंड कर रहा है कि हमें क्या करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, सेल पे डेटा वैलिडेशन करना है कि पूरे कॉलम पे डेटा वैलिडेशन करना है, जहाँ पे आपकी मर्जी, आप वहाँ उसको पहले सेलेक्ट करोगे कहाँ पे करना है, ठीक है। इस एग्जांपल में अभी जो हम आपके सामने लेंगे, वहाँ पे कॉलम ए पे सेलेक्ट किया है, कहाँ पे सेलेक्ट किया है, कॉलम ए पे। फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन डेटा टैब, किस पे क्लिक करना होगा, डेटा टैब पे, ठीक है। जैसे आप डेटा टैब पे क्लिक करोगे, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है, डेटा टैब पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस खुल के आ गए आपकी स्क्रीन पे, दिख रहा है ना, उसी में बहुत सारे ऑप्शंस में आपको डेटा टूल्स का ग्रुप मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डेटा टूल्स का ग्रुप मिलेगा, और उसी में एक ऑप्शन होगा डेटा वैलिडेशन का, कौन सा ऑप्शन होगा, डेटा वैलिडेशन का, इसी पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको डेटा टैब में जाना है, जैसे डेटा टैब में जाएंगे वहाँ पे एक डेटा टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। जैसे डेटा टूल का ऑप्शन, उसी में एक आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन का, यू हैव टू क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, आपको डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करना है। ओके, मूविंग ऑन, ओके, जैसे आप डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते हो, एज सून एज यू क्लिक ऑन डेटा वैलिडेशन, अ डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आया, ठीक है। एंड यू हैव टू गो टू सेटिंग टैब, यहाँ पे तीन टैब दिख रहा है, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, राइट। यू हैव टू गो टू सेटिंग टैब, आपको कहाँ जाना है, सेटिंग टैब में, एंड एज सून एज यू गो टू सेटिंग टैब, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन एरो होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो, एंड वहाँ पे किस पे जाना होगा, डेट पे जाना होगा, किस पे जाना होगा, डेट पे। गेटिंग इट? अलाउ का ये ड्रॉप डाउन बॉक्स होगा, अलाउ के ड्रॉप डाउन बॉक्स में आप जैसे क्लिक करोगे, बहुत सारे आपके यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं ना, एनी वैल्यू, होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट, ये डिपेंड कर रहा है कि आप किस पे डेटा वैलिडेशन लगाना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या, किस पे लगाई है, डेट पे लगाई है। गेटिंग इट? ओके, मूविंग ऑन, ओके, सो स्पेसिफाई द स्टार्ट एंड एंड डेट, आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा, जैसे आपने वहाँ पे अलाउ पे डेट पे लगा दिया, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ कहाँ से कहाँ तक डेटा वैलिड है, ठीक है। ये तो रिस्ट्रिक्शन आप लगाना चाह रहे हो, तो आप बताओगे ना किस किस डेट तक वो एंट्री कर सकता, कौन कौन से डेट तक वो एंट्री नहीं कर सकता। तो
सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट स्टार्ट डेट, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग? डेटा को वैलिडेट करना है, डेटा को आपको वैलिडेशन देना है। हाँ, इसी के बीच में डेटा एंटर जो होगा वो करेक्ट माना जाएगा, इसके अलावा डेटा क्या होगा, इनकरेक्ट माना जाएगा, राइट। तो उसके